अभी हम टाइप ऑफ प्रोसेसेस देखेंगे अभी अभी कौन से टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ओके। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है अब तो चेंज इन द टेम्परेचर विल बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स डेल्टा टी विल बी इक्वल टू जीरो। अगर आपका डेल्टा टी जीरो है तो जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का विल बी ऑटोमेटिकली जीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। दूसरा प्रोसेस है आइसोबेरिक प्रोसेस, और यू कैन से दैट आइसोबारिक प्रोसेस, ओके। बार मीन्स वॉट? प्रेशर। तो आइसो मीन्स सेम। अगर आपका प्रोसेस अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे अगर कैरिड आउट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन होगा द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा पी विल बी इक्वल टू जीरो, चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू जीरो। तीसरा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाता है? द रिएक्शन और द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो आपका डेल्टा भी क्या हो जाएगा? चेंज इन द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू जीरो। अभी चौथा प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाता है? हीट डज नाइदर रिलीज और नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, समझो एक सिस्टम है, वो सिस्टम क्या करता है, नॉर्मली अगर हॉट सिस्टम है तो इट इज गिविंग हीट टू द सराउंडिंग, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाता है? नाइदर हीट इज रिलीज नॉर इट एब्जॉर्ब। तो द प्रोसेस इन विच नाइदर हीट रिलीज और लिबरेटेड नॉर एब्जॉर्ब कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो क्यू सिंबल है हीट के लिए होता है, तो क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमने चार प्रोसेसेस देखे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक आइसोथर्मल में क्या होता है? द प्रोसेस कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आइसोबारिक में हो जाता है द प्रोसेस कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक मीन द प्रोसेस कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एंड एडियाबेटिक, नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब नॉर रिलीज कॉल्ड एडियाबेटिक। तो टाइप ऑफ प्रोसेसेस जैसे हमने पहले देखा आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम सभी को तो डेफिनेशन का पता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे डेल्टा यू विल बी इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्या है इसका? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा वो, तो योर क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ डब्ल्यू, और यू कैन से दैट नेगेटिव साइन ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। तभी हमको इस रिलेशन से क्या पता चलता है, क्यू अगर पॉजिटिव है दैट मीन हीट इज एब्जॉर्ब। अगर कोई सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो इज इक्वेलेंट टू द
वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे, अगर कोई सिस्टम अगर एनर्जी रिलीज करता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम विल टेक प्लेस। ओके, तो सेकेंड प्रोसेस है आइसोबारिक, और कैन से दैट एडियाबेटिक ले लो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, नाइदर हीट एब्जॉर्ब नॉट रिलीज, दैट मीन्स क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। वॉट इज योर इक्वेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू का वैल्यू अगर जीरो है तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। तो इन एडियाबेटिक प्रोसेस टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द वर्क हैव डन। तीसरा प्रोसेस है आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, डेल्टा पी दैट इज द प्रोसेस कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू जीरो। वॉट इज योर इक्वेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है हमारा, बट वॉट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू वर्क डन, पहले हमने देखा था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉट अपन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ईयर, डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर दो, क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है मतलब यहाँ पे तो डेल्टा पी तो है नहीं, तो इट विल नॉट, ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, जीरो नहीं हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या मिला, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो प्रोसेस इज एट कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्यू पी। तो व्हाट अबाउट क्यू पी, विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अभी चौथा प्रोसेस है आइसोकोरिक, इन आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो व्हाट इज योर डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके, बट डेल्टा वी इज जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये तो वैल्यू जीरो है, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू। तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम द इंटरनल एनर्जी चेंज इज नथिंग बट इक्वल टू हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ।